तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ फार क्राई प्राइमल। एंड गाइस, आज मैंने वेबकैम यूज़ नहीं किया हुआ है क्योंकि आज मेरे घर पे आए हैं बहुत सारे रिलेटिव्स, तो उनके सामने गाइस मैं फेस कैम नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। एंड गाइस, आज का जो एपिसोड है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइस आज है ना बहुत ही ज़्यादा स्टोरी सीन्स चलने वाले हैं इस गेम में। गेम की बहुत ही ज़्यादा स्टोरी इस एपिसोड में तुम लोगों को समझने को मिलेगी गाइज। एंड गेम का जो मेन विलन है वो भी शायद से आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा, ठीक है, तो आज का जो एपिसोड है ना वो बिल्कुल मिस मत करना। एंड गाइज, लास्ट वाले एपिसोड में हमने अपने जो भाई है वेंजा भाई, उन लोगों को बचाया था, कुछ कैनिबल्स लोग है, ठीक है, जिनका नाम है वुदम वॉरियर्स, जो कि इंसानों को खाते हैं, उनसे बचाया था अपन ने अपने वेंजा भाई लोगों को, ठीक है। तो आगे गाइस कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को, एंड गाइस बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है, इस वाले एपिसोड को, अगर स्टोरी को तुम समझना चाहते हो इस गेम की, ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। और गाइस, मैं आया था सेला की केव के पास ताकि हम लोग अपने जितने भी वेंजा भाई उनसे मिल सके, और आगे ये रही सेला, उसके पास जाते हैं एंड उसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है, क्या बोलती है क्या नहीं। लेकिन गाइस, सेला से बात करने से पहले ना हमें एक ऑब्जेक्टिव आया है, यहाँ पे एक हट है, एक झोपड़े, उसको हमें अपग्रेड करना है। ये सेला की हट है, ठीक है, यहाँ पे अपन लोग अपने वेंजा भाइयों के लिए एक हट बनाने वाले हैं, ठीक है, तो इसको मैं अपग्रेड करने वाला हूँ। मतलब उस हट को अपग्रेड करने के लिए जितनी सारी चीज़ें चाहिए ना वो सारे के सारे फ़िलहाल मेरे पास है, लेकिन सिर्फ मुझे चाहिए डियर स्किन्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ डियर ढूंढता हूँ एंड उनको मार के लाता हूँ, ठीक है गाइज़। यहाँ पे कुछ टर्टल्स भी है, उनको भी मार लेता हूँ मैं गाइज़, क्योंकि क्या पता आगे जाके काम में आए अपने, हो सकता है ना। ओके, तो दोनों के दोनों टर्टल को मार के उनसे सामान गाइज मैंने कलेक्ट कर लिया है। एंड डियर को मारने के लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा मैप के अंदर। ओके, कोई बात नहीं, ट्राई करता हूँ मैं जाके मारने की। लेकिन सबसे पहले ना गाइज, मेरे पास एक ये था वुल्फ, वो वुल्फ कहाँ पे गया भाई, सबसे पहले मुझे उसको देखना पड़ेगा। अनअवेलेबल, ओके, अनअवेलेबल कहाँ पे चला गया भाई, मतलब अभी फ़िलहाल के लिए अवेलेबल नहीं भाई, मैं उसको नहीं बुला सकता हूँ। चलो ठीक है भाई, अपना वुल्फ नहीं है, मुझे अकेले जाके ये हंटिंग करना पड़ेगा डियर की, चलो कोई बात नहीं यार। ओके, तो भाई सामने एक डियर है, और मैं धीरे धीरे जाता हूँ एंड उसको बीट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है गाइस। धीरे धीरे जाके मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ भागते हैं भाई, उनको भाई एक ही शॉट में मारना पॉसिबल है, लेकिन वो भागते इतने तेज़ है ना भाई, तो उसके लिए मुझे धीरे धीरे जाके देन उनको मारना पड़ेगा। ओके, वो रहा सामने एक डियर, मैं अपनी एरो निकाल लेता हूँ गाइज, एंड देन उसको धीरे से जाके मारेंगे, ठीक है, एकदम धीरे धीरे। ये देखो ये भाग जाते हैं भाई, अरे यार भाई क्या सीन है, ये बात बात पे तो भाग जाता है ये डियर। ओके, मेरे सामने एक और डियर है गाइज, लेकिन वो भाग जाते भाई बात बात पे, तो वो लोग भाग जाते भाई, सामने ढेर सारे डियर है। रुको रुको रुको, ओके ओके, मैंने गाइज उसको हिट कर दिया है। एंड गाइस, पहला मेरे ख्याल से पहला डियर यहाँ पे मरने वाला है। ओके, मर गया है गाइस फाइनली। इससे मैं स्किन्स वगैरह निकाल लेता हूँ, एक और डियर मुझे चाहिए, ठीक है, तो एक और डियर यही आसपास कहीं होगा। ओके, नहीं ये बकरी है भाई, ये गोट है, और एक, अरे यार भाई, ओ, हिट कर दिया, हिट कर दिया मैंने उसको हिट करा, ये आगे जाके मरने वाला है आई गेस, मैंने उसको हिट करा है गाइस। ऑल राइट, ये वाला भी आगे जाके मर गया है, एंड मेरे पीछे कोई तो लगा भाई, ये हाइना भाई, ये कुछ अलग हाइना है भाई, ब्लैक कलर का रेयर ब्लैक। अरे यार उसको टेम करना चाहिए था यार, इसको टेम करना चाहिए था भाई, मैंने फालतू में उसको मार दिया। एंड कहाँ पे गया भाई अपना डियर। ओके लेट्स गो, इसको भी मैंने गाइज मार दिया है। एंड गाइज, अभी मैं जाके अपनी जो सायला है उसकी जो हट है उसको अपग्रेड कर देता हूँ, ठीक है। बाय द वे गाइस, मैंने लास्ट वाले एपिसोड में ना अपने जो टेंस है उसकी हट को अपग्रेड किया था, एंड अभी जाते हैं, एंड ये रही सेला की हट, यहाँ पे सेला के जो हट है उसको मैं फटाफट से अपग्रेड कर देता हूँ, ठीक है, कुछ स्टोरी टाइप का चलने वाला शायद से अभी। भाई क्या हंस रहे भाई, अपने वेंजा भाई, सेला भी हंस रही है भाई, मतलब इनके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। सेला हट अपग्रेडेड, लेट्स गो, कुछ रिवॉर्ड मिले हैं, लेट मी चेक क्या रिवॉर्ड मिले हैं। ओके,
न्यू टू विलेजर्स मतलब भाई 37 विलेजर्स को मैंने सेव करा है एंड वन स्किल पॉइंट अवेलेबल, एक स्किल पॉइंट मेरे पास अवेलेबल है गाइस फिलहाल के लिए। लेकिन उससे भी पहले मुझको एक मिशन आया है, सेला के पास जाओ एंड उससे बातें करो, ठीक है? तो शायद से अभी इम्पॉर्टेंट स्टोरी चलने वाली है, देखना पड़ेगा गाइज। लेकिन उससे पहले थोड़े से स्किल्स पॉइंट अनलॉक हुए हैं, उनको मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है? क्या है क्या नहीं। ओके, तो गाइज इस स्किल पॉइंट को मैं अनलॉक करने वाला हूँ एंड उसको अनलॉक करने से क्या होगा पता है, अपना जो मिनी मैप है उसके अंदर मुझे वुड का, स्टोन का एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ों का ना मिनी मैप में लोकेशन पता चल जाएगा, ठीक है? तो इसको मैं अपग्रेड कर लेता हूँ एंड देन मैं इसको अपग्रेड करने वाला हूँ, ठीक है? अगर मैं इसको अपग्रेड करूँगा तो अगर मैं कोई भी जानवर को मार के अगर उसका मीट कलेक्ट करने की कोशिश करूँगा तो पहले मुझे सिर्फ और सिर्फ एक एनिमल से एक मीट मिलता था, अभी मुझे एक एनिमल से शायद दो मीट मिलने वाला है, ठीक है? लेट्स गो, इसको मैं फटाफट से गाइस अपग्रेड कर लेता हूँ। लेकिन नहीं, उसके लिए दो स्किल पॉइंट चाहिए, ठीक है भाई? मतलब चलो कोई बात नहीं यार, जैसे मुझे स्किल पॉइंट आगे आगे मिलेंगे ना वैसे वैसे मैं उनको अपग्रेड करते जाऊँगा, ठीक है? तो अपनी सहेला कहाँ पे गई, यहाँ पे कुछ तो सीन है, लेट मी चेक भाई। इस चीज़ का क्या यूज़ है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं फुल करते जा रहा हूँ, ठीक है? बस इसको फुल करते जा रहा हूँ। ओके, तो इसके अंदर की थोड़ी सी चीज़ें मैंने फुल कर दी है गाइज एंड ये रही अपने सहेला अपने सामने। ओके, कुछ स्टोरी टाइप का चलने लग चुका है गाइज। नाउ मोर वेंजा कम टू अस, बहुत सारे वेंजा अपने पास आ रहे हैं, दे ज्वाइन योर होम सहेला, वो तुम्हारा घर ज्वाइन कर रहे हैं। सहेला बोल रही कि वो टकार को देखने के लिए आए हैं, वो लोग बीस्ट मास्टर को देखने के लिए आए हैं। पहले मैं अकेली खेव के अंदर हाइड हुआ करती थी, लेकिन जब से तुम आई हो आज मैं अपने लोगों के साथ बाहर घूम सकती हूँ खुशी से। मैंने आज एक मरा हुआ उड़ान देखा एंड मैंने उसका ईयर कलेक्ट कर लिया, जो कि गंदा शौक है सैला को, उसने उसका कान उठा लिया एंड उससे एक वेपन कलेक्ट किया है, वो वेपन वो टकार को दे रही है, ठीक है? आई फियर द उडाम कम टुमारो, ओके, इसको डर लग रहा है कि उडाम कल आने वाले शायद। और ये कुछ नया वेपन गाइस अपने को मिला है, कैसा है देख पता नहीं। नाउ क्रश देम विथ देयर ओन वेपन्स, मतलब सैला बोल रही कि तुम उनको उनके ही वेपन से मार देना, ठीक है? कल अगर वो आएंगे ना तो तुम उनके ही वेपन से उनको भी पहलम पाल कर देना। ओके, तो रात ख़त्म हो चुकी है शायद, नेक्स्ट डे हो चुका है एंड गाइज आज शायद से वुदाम वॉरियर्स आने वाले जो नरभक्षी है, ठीक है? तो रेडी रहना पड़ेगा अपने को। ओके, तो ये इंस्ट्रक्शन में ऐसा सीन है, अगर मैं क्लब से बंदों को मारूंगा ना तो वो फास्ट अटैक होगा, ठीक है? डैमेज कम होगा लेकिन फास्ट अटैक होगा। अगर मैं स्पेयर से मारूंगा तो थोड़ा सा स्लो अटैक होगा लेकिन डैमेज ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है? एंड कैसे यूज़ करना है वेपन्स को ये सिखा रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अपने को। एंड कुछ स्टोरी टाइप का चलने लग चुका है गाइस यहाँ पे सामने। अब वेंजा हंटर सॉ उडाम नियर बाय, ओके, आसपास कहीं पे तो उडाम वॉरियर्स है, दे कम टू अटैक बट दे वेंजा आर रेडी। ओके, मतलब वो लोग अपने पे अटैक करने के लिए आ रहे हैं लेकिन हम लोग भी रेडी है, और यही है शायद से उई गाइस। ये बंदा देखो कैसा है एक बारी तुम लोग। हाँ, सॉफ्ट ब्लड वेंजा नो स्टे यू लीव, नरम खून के वेंजा लोग तुम यहाँ पे मत रहो, तुम निकल जाओ यहाँ से, और अगर तुम नहीं गए तो तुम मरने वाले हो मेरे हाथ से। ऐसा ये वुल या फिर उई जो भी नाम है उसका ये बोल रहा है, किल देम ऑल। ओके, तो ये जो उई है ना वो बोल रहा है कि तुम मेनी उडाम, ओके, वी आर मेनी टकार एंड हिज बीस्ट फाइट विथ अस। ओके, सैला बोल रहे कि हम लोग उनसे फाइट लेते हैं, अपने पास टकार है एंड उसके एनिमल्स भी अपने साथ, तो अपन लोग फाइट करके उनसे इजीली जीत सकते हैं। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली फाइट यहाँ पे शुरू हो चुकी है गाइस। ये जो बंदा अपन ने अभी देखा था ना वो इस गेम का मेन विलन था, ठीक है? शायद ऐसा मुझे लग रहा है। एंड वो जो बंदा है ना वो इन लोगों का सरदार है एंड इनका मेन विलन है, ठीक है, इस गेम का। ओके भाई, क्या ये मेरी हेल्थ कितनी जल्दी ख़त्म हो गई बे, और मैं शायद मरने वाला हूँ। नहीं 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 नहीं, इतने जल्दी नहीं भाई, मैं हील कर लेता हूँ। एंड भाई ये वेपन तो वैसे पावरफुल है, एक ही हिट में बंदा मरा एंड यहाँ पे आसपास कोई नहीं शायद।
ओके तो गाइज मेरी गेम क्रैश हो गई थी तो इसलिए ये फाइट अगेन स्टार्ट हो चुकी है। एंड गाइज मैं सबसे पहले उन लोगों को मारता हूँ एंड तुम लोगों को स्टोरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये वेपन थोड़ा सा स्लो है यार, थोड़ा सा स्लो है। चल निकल, मर जा तू भी। दूसरा भी मैंने मार दिया गाइज, एंड ये रहा तीसरा, तीसरे को भी मैं मार देता हूँ एंड देन थोड़ी सी हील कर लेता हूँ, लेकिन नहीं मैं मर चुका हूँ गाइज। ओके तो गाइज मैंने फाइट वापस से स्टार्ट कर दी है, लेकिन ये वाला जो वेपन है ना ये मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा यार, इससे अच्छे तो अपनी एरोज ही यार। तो इसको मैं ना गाइज कलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मतलब हाथ में लेता हूँ। ओके तो गाइज यहाँ पे थोड़े से और वेंजल हो गए, इनको मैंने मार दिया भाई। स्पेयर से मारना थोड़ा सा ईजी पड़ता है यार, देखो भाई थोड़ा सा नहीं भाई कुछ ज़्यादा ईजी पड़ता है स्पेयर से मारना। भाई इसके पास पॉइजन है बे, व्हाट द फ्रीक। अच्छा मैं इसको इसी से मार देता हूँ, जो नया वेपन है उसी से। एंड इसने मेरे पास पॉइजन फेंक दिया भाई। एंड गाइस स्ट्रीम की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो चुकी रहेंगी, आई मीन वीडियो की, क्योंकि गाइस सीन ऐसा है ना, मेरी गेम बार बार हो रही थी क्रैश, पता नहीं क्यों, कुछ सेटिंग का ही सीन था इस वजह से गाइस। हाँ तो इस वजह से गाइस मैंने जो सेटिंग है ना अपनी गेम की उसको थोड़ा सा कम कर दिया था। एंड मैं थोड़ा सा हील कर लेता हूँ, मैं तो मरने को हो रखा हूँ। हाँ चल निकल, चल निकल, चल पहली फुर्सत में निकल, चल ये देखो, चल मरना भाई, कितना ज़्यादा समय लगा था तू और मैं मरने को रखा हो भाई। मेरी हेल्थ देखो बस। ओके डिफेंड योर विलेज, मैंने अपनी विलेज को डिफेंड कर दिया शायद से, पता नहीं अभी और उतम जिंदा नहीं है, लेकिन गाइज म्यूजिक अभी भी बज रहा है, इसका मतलब अभी और भी उतम आसपास है कहीं पे। तो अच्छा नहीं, मार दिया शायद हम लोगों ने, पता नहीं, थोड़ा सा आगे जाके देखते हो। नहीं यहाँ की और उदा में भाई, ये निकल चल, अरे निकल चल अरे निकल ना भाई, निकल चल भाई। ये जो बंदे फेंकते हैं ना, ये जो पॉइजन फेंकते हैं ना बंदे, ये थोड़े से ज़्यादा पावरफुल होते हैं गाइज। एंड गाइज मैंने फाइनली थोड़े से और बंदे मार दिए है। सेला से मुझे बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं गाइज तुम लोगों को थोड़ा सा सीन समझा देता हूँ, ठीक है कैसा है। तो उनका जो सरदार आया था ना, उई उई उसका नाम था उई तो उस उई ने बोला कि भाई तुम लोग इस जगह को छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम लोग अभी मरने वाले हो। तो उसने अपने विलेज के ऊपर अटैक कर दिया है, अपने बंदों के ऊपर अटैक कर दिया है, ठीक है। एंड गाइज वो जो बंदा था उई, वो उदाम लोगों का सरदार था, ठीक है, वो उदाम लोगों का मतलब सबसे टॉप का बंदा था। एंड गाइज ये जो उदाम वॉरियर्स है ना, वो उसी के कहने पे अपने लोगों के ऊपर अटैक कर रहे थे। एंड गाइज शायद से जो वी है वो इस गेम का मेन विलन है आई गेस, तो उसकी पहली झलक अपने को देखने को मिली थी। एंड वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो मैंने गेम की थोड़ी सी क्वालिटी कम कर दी थी, क्योंकि गाइज सीन ऐसा हो रहा था ना, मेरी गेम बार बार क्रैश हो जा रही थी, ठीक है। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए मैंने अपनी जो गेम की क्वालिटी है ना उसको मैंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया था, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अभी वापस से मैं गाइस क्वालिटी बढ़ा देता हूँ गेम की। ओके गेम की क्वालिटी मैंने बढ़ा दी है, अभी जाते हैं सेला के पास एंड गेम को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, लेट्स गो। उदाम आर स्टिल क्लोजर, गो टकर हंट देम डाउन। ओके तो ये बोल रही है, डिस्ट्रॉय देयर बोन ट्रीज मेक देम फेयर वेंजा। ओके तो ये बोल रही है कि भाई उदाम लोगों ने अपने ऊपर अटैक कर दिया है, ये यही कहीं पे आसपास है, ठीक है, जाओ उनको मार दो जाके, एंड उनको ऐसा ऐसा मारो कि वो लोग भी वेंजा लोगों से डरने लगे। एंड उन लोगों ने कुछ हड्डियों का ट्री बना रखा है आई गेस, हड्डियों का ट्री बना रखा है, उसको तोड़ना है अपने को, पता नहीं भाई हड्डियों का भी ट्री होता है क्या, पता नहीं भाई इन लोगों ने बना के रखा है। एंड यहाँ पे आसपास कुछ तो था, ये पता नहीं भाई क्या है, चलो छोड़ो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, जाते हैं। एंड गाइज उन लोगों को पेलम पाल करके आते हैं, ठीक है, वो जो उदाम लोग हैं उनको। एंड उनका जो सरदार है ना उई, वो तो मेरे ख्याल से मरने नहीं वाला इस एपिसोड में, क्योंकि वो मैन विलन है, ठीक है, लेकिन क्या पता उसकी कुछ झलक अपने को आगे देखने को मिले। तो फटाफट से चलते हैं, ठीक है, आगे। और यहाँ पे थोड़े से और उदाम है, एक को मार दिया, ये रहा दूसरा। मैं अपनी स्पेयर्स कलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले तो अगेन, क्योंकि स्पेयर का अटैक भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, इसलिए स्पेयर ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए अपने पास। एंड मैं स्पेयर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रख सकता क्या, उसको ऑपरेट करने के लिए मुझे चाहिए हार्डवुड। ओके
हार्डवुड मेरे को तीन चाहिए, और तो यही आसपास कहीं पे तो वुड होगा तो मैं कलेक्ट कर लूँगा। ठीक है गाइस। और गाइस अपन लोग अभी फिलहाल के लिए जा रहे हैं उदाम लोगों के कैंप पे, ठीक है, उनका एक बेस है वहाँ पे जा रहे हैं। एंड गाइस मैं फिलहाल अकेला नहीं हूँ, ठीक है, टकार अकेला नहीं है, उसके साथ उसके भाई लोग हैं जो कि वेंजा लोग हैं, उसके क्लैन के बंदे। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो लोग आगे जाके उनसे फाइट ले रहे हैं, हम पीछे से जा रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा लेट जा रहे हैं। तो गाइस चलते हैं फटाफट से उदाम लोगों के बेस के ऊपर, एंड वहाँ से गेम को करते हैं कंटिन्यू। ठीक है। एंड मेरा जो एनिमल है ना, मतलब मेरे जो वुल्फ है ना, वो अवेलेबल है, लेट्स गो, उसको मैं अभी बुला सकता हूँ। लेट्स गो भाई, मैं अकेला फाइट करे जा रहा था, थोड़ा सा हार्ड लग रहा था वो मेरे लिए। और यहाँ पे ढेर सारे उदाम है भाई, ढेर सारे। कहाँ पे गया मेरा वुल्फ? हाँ लेट्स गो, मेरा वुल्फ मेरी अभी मदद करेगा गाइस। लेट्स गो, मेरा जो अल्फा है वो मेरी मदद करेगा। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं भाई, अभी भी निकल चल भाई। क्या है ये, क्या है ये भाई, कुछ समझ में तो भी तो नहीं आ रहा। कहाँ से मार रहे हैं लोग, कहाँ से भाई, क्यों? अच्छा यहाँ से मार रहा, तो साले तेरी ऐसी की तैसी, यहाँ से मारेगा है? छुप छुप के मारेगा है, छुप छुप के मारेगा साड़े। मेरा वुल्फ वापस से मर चुका है गाइस, ये है कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है मेरा वुल्फ। एंड उसको मैं अगेन रिवाइव कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इन लोगों को मार देता हूँ। ठीक है, थोड़े से और है, ये रहा एक और, इसने मुझे जला दिया है गाइस। मैं अपने वुल्फ को वापस से रिवाइव कर सकता हूँ, थोड़ी सी हील मैं भी कर लेता हूँ यार। ओके, थोड़ा सा हील मैंने कर लिया। एंड यहाँ पे कुछ अलग टाइप का वेंजा है भाई ये, आई मीन उदाम है। एंड उनका जो लीडर है ये वही था क्या? अरे नहीं, ये डिफरेंट है भाई, ये वुई नहीं था, मुझे लगा मैंने वुई को मार दिया, लेकिन नहीं, वो वुई नहीं था, वो कोई और था। ठीक है, आगे एक और कुछ तो मतलब आ रहा है। ओके, तो इसी ट्रिक के बारे में बात कर रही थी शायद वो, जो सैला है ना, वो जो हड्डियों के ट्री के बारे में बात कर रही थी ना, ये वही ट्री है आई गेस। एंड यहाँ पे आसपास ना ढेर सारे उदाम वॉरियर्स और होंगे। ठीक है, तो कहाँ पे गई मेरी एरो? एरो मतलब बो को मैंने गाइस हाथ में ले लिया है। एंड कहाँ पे है और बंदे, कहाँ पे? अच्छा ऊपर है। ओके, मैं फटाफट से ऊपर चढ़ के उनको पेलम पाल करता हूँ गाइस। क्या मतलब, ये मुझे मारने वाले ऊपर चढ़ते ही? अच्छा नहीं, नहीं मारा भाई। कौन से नशे में है तू, कौन से नशे में है? बंदा ऊपर आ गया, तेरे को मार भी गया, तू कौन से नशे में है? और ये रहा ट्री, दूसरा ट्री मैंने तोड़ दिया है गाइज। थोड़े से और एरो है मेरे पास, एंड थोड़े से और उदाम वॉरियर सभी भी अलाइव है। इस वाले साइड पे एक है, यहाँ पे ये रहा, निकल चल, पहला हेड शॉट का एंड निकल। अभी मैं जी दबा के इसको अपने वुल्फ को मारने के लिए बोलता हूँ, एंड चल तू मेरे एरो से मर, लेट्स गो। दो मैंने और मार दिए है गाइज, हमने मतलब हमने, मैंने अकेले नहीं, मेरे वुल्फ ने एंड मैंने। एंड नीचे कुछ तो सीन है शायद। ओके, सारे के सारे उदाम वॉरियर्स मर चुके हैं गाइज, मेरे को एक और ट्री तोड़ना है, तो लास्ट वाले ट्री शायद से इस वाले साइड में। ठीक है भाई, फटाफट से जाके उस ट्री को मैं तोड़ देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऊपर है आई गेस। अच्छा नहीं, यही ट्री है वो, लेट्स गो, निकल चल। एक और ट्री गाइस मैंने लास्ट का तोड़ दिया है, किल द रिमेनिंग उदांस। तो थोड़े से और उदान लोग जिंदा है अभी भी, उनको मैं मारता हूँ अपने बो के साथ। ये रहा एक और उदाम, चल निकल। एक और उदाम को गाइस मैंने मार दिया है। और उदाम कहाँ पे, मुझे सबसे पहले तो उसको देखना पड़ेगा। ये क्या है भाई? अच्छा ये अपना वेंजा भाई है। और उदाम बाकी तो है, लेकिन कहाँ पे मुझे वो नहीं पता गाइस। ओके, यहाँ पे एक और उदाम है, मेरा वुल्फ जाके उसको मारेगा भाई बहुत ज़्यादा इजीली। चल निकल निकल, मेरे वुल्फ ने उसको मार दिया है गाइस। वैसे नहीं मारा था, क्योंकि ये भाग के ऊपर ऊपर चढ़ रहा था, मतलब डर गया था यार ये अपने अल्फा से। अटैक ऑफ द उदाम, लेट्स गो, कंप्लीटेड। मैंने उदाम के ऊपर अटैक कर दिया है गाइस फाइनली, एंड उनके बेस को तबाह कर दिया है। लेकिन यहाँ पे हमें वुई नहीं मिला यार, वुई कहाँ पे था? अरे यार देखो भाई, उन लोगों ने ढेर सारे अपने वेंजा भाइयों को मार दिया यार, उदाम लोगों ने। यू किल हुई? अरे नहीं, हमने नहीं मारा भाई उदी उई को। द उदाम आर डेड, यू स्टिल अलाइव। ओके, ढेर सारे उदाम को टकार ने मार दिया, लेकिन उई अभी भी जिंदा है। मिनी वेंजा डाई टूडे, बहुत ज्यादा वेंजा आज मरे है, अपने जो वेंजा भाई है वो बहुत ज्यादा मरे है। एंड ये चिल्ला क्यों रहे भाई? टकली ओए टकली, चिल्ला मत।
चिल्ला मत, एक रैप्टा मारूंगा तेरे को। मैंने उदम डाइस टुडे और वेंजा स्टैंड स्ट्रांग वी लाइव। हाँ वेंजा जिंदा है अभी भी, हम लोग स्ट्रांग बन गए। आई नीड ईयर ऑफ वी। तो ये बोल रही है कि मुझे उई का एयर चाहिए, ठीक है, उसका कान चाहिए मुझे। जब तक मैं उई को नहीं मारूंगी तब तक वो लोग हम पे अटैक करना बंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपना टकार बोल रहा है कि मैं जल्द से जल्द उई को मारूंगा, तुम टेंशन मत लो। ओके तो अभी कुछ क्या चल रहा है ये? फॉर विंजा विंजाई। अरे भाई 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 ये क्या था भाई, इनका बॉन्ड देखो यार, इन लोगों ने कुछ शपथ टाइप का लिया है भाई। विंजा लोगों के लिए हम लोग क्या करने वाले पता नहीं। वुल्स ओके है, तो कुछ स्किल्ड वेंजर्स जो लोग है ना, मतलब जो कुछ चीज़ें बनाते हैं वो फिलहाल के लिए मिसिंग है, तो उनको ढूंढ के लाना है हमें एंड उनको अपने विलेज पे लाना है, ठीक है। शायद से ऐसा कुछ मिशन है, लेट मी चेक। ऑल राइट, तो ये तीन लोगों को मुझे लाना है शायद से। जैम्या द हंटर ये को ने, वो गा द क्राफ्टर ओके, एंड ये है क्रॉश द वॉरियर। तो सबसे पहले इसको लाते हैं, देन इसको लाएंगे, देन इसको लाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके पास चलते हैं गाइज, इसके पास जिसका नाम है जायमा द हंटर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट कर सकता हूँ गाइज डायरेक्टली, एंड देन उसके पास जाते हैं, ठीक है। ऑल राइट गाइज, यहाँ पे मैं टेलीपोर्ट कर चुका हूँ एंड अभी मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, लेट मी चेक। मुझे जाना है इस वाले डायरेक्शन पे, ठीक है। तो इस वाले डायरेक्शन पे जाने के लिए मुझे पहले तो ऊपर जाना पड़ेगा आई गेस, मतलब ये जो पहाड़ है ना उसके ऊपर जाना पड़ेगा गाइज। एंड यहाँ पे वो जो वुल्फ था वो अभी नहीं है, शायद से छोड़ दिया उस वुल्फ को, छोड़ दिया अपने वेंजा भाई लोगों ने। भाई 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 शेर, मेरे सामने है एक शेर, उसको मैं बैठ कर सकता हूँ गाइज। अरे नहीं भाई, बैठ फेंका मैंने, मर मत यार, क्या सीन है। ये कुछ तो सीन हुआ एंड मैं मरा गाइस। मैं फाइनली मर रहा हूँ भाई, उस लायन को ना मैं टेम कर सकता हूँ गाइस, उस लायन को भी मैं टेम करने वाला हूँ, ठीक है ब्रो ब्रो ब्रो, उस लायन को मैं टेम करने वाला हूँ। कहाँ पे गया वो लायन गाइस? जैसे ही वो लायन मुझे दिखेगा ना उसको मैं टेम करने वाला हूँ, ठीक है। अबे वो केव लायन कहाँ पे गया बे, व्हाट द फ्रीक भाई, वो केव लायन कहाँ पे गया? चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलते हैं अपनी डेस्टिनी की तरफ। अच्छा नहीं, मैं थोड़ा सा गलत आ गया आई गेस, मैं थोड़ा सा गलत आ गया गाइस आई गेस। नहीं 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 नहीं, गलत नहीं आया, वो आवाज़ तो आया भाई, सी लाइन का आवाज़ तो आसपास ही है भाई, आई मीन केव लाइन का। भाई मैं सी लाइन क्यों बोल रहा हूँ, उसे यही कहीं पे भाई, वो यही कहीं पे वो केव लाइन। अरे वो भाग गया, धीरे धीरे जा तो भाई, ये कुछ अलग है, ये थोड़ा सा अलग है भाई, इसको मैं टेम कर रहा हूँ इसको, ये कोई अलग लायन है बे, रेयर ब्लैक लायन, लेट्स गो भाई, मैंने एक रेयर लायन को टेम कर दिया है और इसको पेट करते गाइस, लेट्स गो। वाह अभी तो फाइट करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है यार, अपने पास एक लायन है, लेट्स गो। ओके तो गाइस फटाफट से चलते हैं जायमद हंटर के पास, एंड फिलहाल मैं कौन से एनिमल्स को टेम कर सकता हूँ सबसे पहले तो मुझे वो देखना है गाइज। तो जितने भी लायंस टाइप के, मतलब लायन है ना, उनको मैं टेम कर सकता हूँ फिलहाल के लिए। हाँ बियर को मैं टेम नहीं कर सकता हूँ, एंड बहुत सारे एनिमल्स हैं उनको मैं अभी भी टेम नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो रास्ते में तो गाइज फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ जायमा, इसका नाम जायमा है ना, जायमा द हंटर, जायमा द हंटर के पास फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन रास्ते में जितने भी एनिमल्स मिलेंगे ना उनको मैं मारने वाला हूँ, एंड कोई अच्छा सा एनिमल दिखे ना तो उसको मैं टेम करने वाला हूँ, ठीक है। ओके तो यहाँ पे थोड़े से और वेंजर लोग हैं भाई, और मैं अपने टायर से उन उडाम वॉरियर्स के ऊपर हमला कराता हूँ भाई। ओ माय गॉड भाई, अपना टाइगर देखो भाई, लायन कैसा है बे, कुछ भी नहीं हुआ भाई उसको लिटरली। वो देखो वहाँ पे एक और है भाई, उसको मार दे जा, तब तक कोई और दूसरा होगा तो उसको मैं पेलता हूँ। ये रे मेरे एरो, एंड कहाँ पे और उदाम कहाँ पे भाई, मुझे बताओ जल्दी और उदाम कहाँ पे। मेरा टाइगर तो उसको मार के भी आ गया भाई, लेट्स गो। सामने एक और उदाम है, ये रहा, अच्छा नहीं वो उदाम नहीं है, वो है अपना वेंजा भाई।
थोड़े से और उदम वॉरियर्स, जाओ मारो मेरे टाइगर, जा एक को मार दे, दूसरे को मैं मारता हूँ, दूसरे को मैं मारेगा, पहले को मेरा टाइगर मारेगा, लेट्स गो भाई। मेरा टाइगर कुछ ज्यादा ही पावरफुल नहीं है, ये क्या है, जंगली सूअर इसको मार रहे भाई, ये उदाम है, उदाम की महिला है एंड उसको जंगली सूअर मार रहे भाई, मजे लेते। चलो जंगली सूअर मारता है या फिर नहीं उसको देखते गाइस। अबे मेरा टाइगर उस जंगली सूअर को मार रहा है भाई, अच्छा कुछ ग्लिच हो गया। चल निकल, चल तू पहले फुर्सत में निकल जा, हाँ चल निकल, मेरा टाइगर तुझको एवे ही मार देगा भाई, एवे ही। मेरा टाइगर कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है भाई, मेरे से ज़्यादा पावरफुल तो मेरा टाइगर है भाई। भाई फॉर रियल यार, सही में मेरे से ज़्यादा पावरफुल तो मेरा टाइगर ही भाई, उनकी तो ऐसी तैसी कर रहा भाई मेरा टाइगर। और यहाँ पे एक और उदाम है आई गेस, हाँ निकल चल, हेडशॉट का निकल चल भाई, मैं फालतू में फाइट ले जा रहा हूँ यार, क्योंकि ओ एक और लायन, व्हाट द फ्रिक भाई, मेरा लायन, तू उधर जा, तू उधर जा, तू उधर जा, यहाँ पे एक और लायन है गाइस, उसको मैं टेम कर सकता हूँ। कहाँ पे भाई, एक और लायन था ना अभी, कुछ अलग टाइप का लायन था यही कहीं पे आसपास। ओके आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। और रहा है खाल है चाचा, चाचा खाल है, एक और टाइगर गाइस मैंने टेम कर लिया है, लेट्स गो। तुम्हारा भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इस गेम में हो रहा है भाई, ये लकी हुई भाई, मैं लकी हूँ या फिर क्या सीन है पता नहीं भाई, मैं लकी हूँ या फिर क्या सीन है पता नहीं, लेकिन गाइस आज के ही एपिसोड में मैंने दो टाइगर ये कर लिए भाई, आई मीन टेम कर लिए बे। ऑल राइट गाइस, तो मेरे सामने एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला पहाड़ है एंड जायमा से मिलने के लिए शायद से मुझे इसी पहाड़ को चढ़ के जाना है गाइस, और ऊपर चढ़ने का रास्ता इस लकड़ी से होते हुए है क्या, लग तो वही रहा है। एंड मेरा टाइगर कहाँ पे रह गया भाई, अल्ट दबाने पे वो आएगा मेरे पास, ये रहा मेरे पीछे भाई, मैं कितना लकी हूँ, नहीं लकीएस्ट गेमर इन द वर्ल्ड भाई, मतलब एक ही दिन में दो दो टाइगर कौन बे ये करता है भाई, टेम करता है, एक रेयर टाइगर टेम करा और एक नॉर्मल टाइगर टेम करा। ऑल राइट गाइस, मैं पहाड़ी के ऊपर तो चढ़ चुका हूँ, लेकिन और ऊपर जाना है भाई मुझे जायमा से मिलने के लिए बे, हाँ थोड़ा सा और आगे है, तो फटाफट से चलते हैं गाइस, जायमा से मिल के आते हैं एंड जायना को कन्विंस करते हैं हमारी विलेज में आने के लिए, क्योंकि भाई इसके पास कुछ अलग अलग स्किल होने वाला है एंड उस स्किल का है ना हमें ज़रूरत पड़ेगा उडाम लोगों से फाइट करने के लिए। वेंजा, अच्छा ये कुछ अलग है, चल निकल, मेरा टाइगर कहाँ पे भाई, दूसरा वाला टाइगर, उससे भी मैं अटैक करवा सकता हूँ ना, मेरे दूसरे वाले टाइगर से भी मैं अटैक करवा सकता हूँ ना भाई। और ये कहीं पे, हाँ चल निकल, मेरा टाइगर, ये रहा मेरा टाइगर, और इसको देखो भाई, और उसका ये क्या लटक रहा है भाई, भाई ये क्या लटक रहा है उसका भाई, उसका ओ बे इसकी टांग भाई, भाई भाई ये क्या देख लिया, ये क्या देख लिया भाई, ये क्या देख लिया भाई मैंने। चलो ठीक है भाई, उदाम लोगों का कुछ दिखता भी है भाई, छी भाई। ओके कुछ सीन हुआ है और यही है शायद से जायमा, जायमा शायद से हमें विलन समझ रही है, यू आर वेंजा, यप हम लोग वेंजा है, हम लोग कोई विलन वगैरह नहीं है, यू आर यंग लॉर्ड, हाँ तुम बहुत ही ज्यादा जवान हो, क्या करना है भाई तेरे को, बिग फिट लाइक मैमथ भाई, वी ट्रैक बियर फॉर टू सन्स, यू स्केर्ड, अरे मतलब टू सन्स फॉर द बियर, फाइंड बियर फास्ट, शो यू हाउ टू अटैक, हाउ टू ट्रैक, ओके बिग वर्ड्स फॉर मैमथ फीट, ज्यादा बड़े शब्द हो रहे हैं मैमथ फीट के लिए, शो अस हाउ टू अटैक, हमको दिखाओ कैसे अटैक करना है, तो चलो If you find bear, walk softly, धीरे धीरे चलना ठीक है तुमको, अगर बियर दिखे तो ओके, ये देखो ये वापस से चिढ़ा रही है भाई। तो गाइस सीन ऐसा है ना, ये जायमा बोल रही है
कि मैं बहुत ज़्यादा दिनों से बियर को, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, दो दिनों से मैं बियर की हंट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं जैसे ही अभी बियर को मारने वाली थी ना, वैसे ही तुमने आके उसको भगा दिया। मतलब तुमने थोड़ा सा नॉइस क्रिएट किया रहा और वो बियर भाग गया। तो गाइस इसी वजह से वो जो जायमा है वो हमसे चिढ़ गई थी। तो दैन अपना जो टकर है उसने फ्लेक्स करते हुए बोला, भाई बियर के लिए दो दिन कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं तुमको सिखाता हूँ बियर को कैसे हंट करना है। तो जायमा ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है बियर को हंट करने का, एंड देखना है अभी सबसे पहले कौन बियर को मारता है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हमें एक बियर मारना है, एंड जो बियर डर के भागा था उसके ये फुटस्टेप है। ठीक है, वही बियर को हमें मारना है आई गेस। और वो फुटस्टेप्स कहाँ पे जा रहे हैं? ओके, तो इस साइड पे जा रही है। ठीक है, वी दबाने पे हंटर मोड ऑन होगा एंड हमें पता चलेगा कि वो जो बियर है वो कहाँ पे गया है वी दबाने के बाद। ठीक है, तो फुटस्टेप और आगे जा रहे हैं इस वाले साइड पे, फटाफट से चलते हैं गाइस। ठीक है, और यहाँ पे कैंप फायर है आई गेस। हंग्री बियर, ओके हंग्री बियर, आई मीन उस बियर को अभी फिलहाल के लिए भूख लगी शायद से, तो वो जाएगा खाना ढूंढने के लिए। और बियर क्या खाता है गाइस? शायद से ये वाला बियर सब कुछ खाता है भाई, जानवर बिनवर मछली वछली सब कुछ खाता होगा। हाँ चल, मेरा टाइगर अभी उसको मारेगा एंड मैं अल्फा को मारूंगा। ठीक है चल निकल। वॉट, मेरे टाइगर के ऊपर अटैक करने के लिए अल्फा भी जा रहे है भाई? ओ बेस की टांग, क्या मतलब मेरा टाइगर मरने वाला है? क्या मतलब मेरा टाइगर मरने वाला है भाई? अच्छा नहीं मरा, चलो ठीक है भाई, उसको मैं थोड़ा सा खाना भी दे देता हूँ भाई। ये ले चल, खाना मैंने उसको खिला दिया है गाइज, एंड उसकी हेल्थ वापस से रिकवर हो गई। ठीक है, तो मेरा बियर कहाँ पे गया? ओके, तो बियर गया है इस रास्ते पे, तो चलते हैं फटाफट से उस रास्ते पे। ओके एक और भाई, उधर जा तू उधर जा, एक और एनिमल है गाइज, एक और एनिमल को मैं टेम कर सकता हूँ। लेट्स गो गाइज। ओके लेट्स गो, एक और एनिमल को गाइज मैं टेम कर सकता हूँ। व्हाट द फ्रिक, क्या मतलब मैं वापस से मरने वाला हूँ? भाई मैं मर रहा, व्हाट द फ्रिक, धीरे धीरे जाता हूँ एंड अभी मैं मरने ही वाला था, लेकिन मैं फाइनली ये जैगवर शायद से चीता, लेट्स गो, जैगवर को भी मैंने गाइस टेम कर लिया है, लेट्स गो। बट तुम्हारा भाई कुछ ज़्यादा ही लकी है यार, लकीएस्ट गेमर एवर भाई, कुछ ज़्यादा ही लकी है तुम्हारा भाई। एक दिन में तीन टाइगर, मतलब तीन कैट फैमिली से बिलोंग करने वाली टाइगर्स भाई। ऑल राइट गाइज, एक स्किल पॉइंट मेरे पास फिलहाल है, तो इस चीज़ को अनलॉक करने के बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा वुड फाइंड कर सकता हूँ, स्टोन रेड क्ले एंड रॉक डस्ट, ये सारे के सारे चीज़ें मैं फाइंड कर सकता हूँ इस स्किल को अनलॉक करने के बाद। ठीक है, और गाइज मैं अपने स्पेयर को फिलहाल के लिए अपग्रेड कर सकता हूँ, मैंने गाइज अभी स्पेयर्स को अपग्रेड कर दिया है एंड स्पेयर कुछ अलग दिखने लग चुकी है गाइज, ये देखो कुछ ज़्यादा ही नुकीली हो चुकी है गाइज। तो गाइज मैं एक काम करता हूँ, ये जो फुट स्टेप्स है ना इनको मैं ना देख देख के अभी डायरेक्टली बियर को फाइंड करता हूँ। ठीक है, तो सामने शायद से बियर है क्या? नहीं तो ना, आई फाइंड बियर। भाई वो बियर तो खतरनाक है भाई, उसने अपने मतलब ढेर सारे अपने जो वेंजा भाई है ना उनको मारा है भाई उस बियर ने, व्हाट द फ्रीक। ये बियर इसकी तो ऐसी की तैसी मेरे भाइयों को मारेगा। हैं तू तो गया बेटे, कहाँ पे तू है, कहाँ पे तू, बस तू मुझे बता तू कहाँ पे साले। ओके, तो सामने स्ट्रांग जाओ केव, तो ये है स्ट्रांग जाओ केव एंड सामने वो रहा बियर। निकल चल, मेरा टाइगर चल अटैक कर उस पे, लेट्स गो चल निकल, पहली फुर्सत में निकल, चल निकल। एस टू स्मैश, मुझे उसको एस दबा के स्मैश करना पड़ेगा। एंड क्या मतलब मैं बियर से मर चुका हूँ भाई, क्या मतलब मैं बियर से मर चुका हूँ, व्हाट द फ्रीक। भाई उस बियर को तो मैं हल्के में ले रहा था यार, भाई वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है यार, मैं उसको छुप के नहीं मार सकता हूँ क्या? लेट्स गो, मैं उसको छुप के मारने का ट्राई करता हूँ यार। सबसे पहले तो मैं ऊपर जाता हूँ
एंड ऊपर चढ़ के मैं उसको ना धीरे धीरे मारने का ट्राई करता हूँ यार। कहाँ पे गया वो बियर? ओके जा भाई उसको मार दे टाइगर, उसको मार दे। अभी उन लोगों के बीच में फाइट हो रही भाई। मेरे टाइगर को मार दिया क्या? मेरे टाइगर को उस बियर ने मार दिया भाई। भाई ये बियर कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, इसको मैं कैसे मारूं? मुझे हील करना पड़ेगा सबसे पहले तो, नहीं तो मैं मर रहा भाई, अगेन मर रहा मैं भाई। उस बियर को मैंने कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया यार। अभी एक काम करता हूँ, उस पहाड़ी पे चढ़ता हूँ सबसे पहले तो मैं, एंड देन मैं उसको मारूंगा। ठीक है देन मैं उसको मारूंगा भाई, मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय लगना चाहिए मेरे पास आने के लिए। तो सबसे पहले बियर यहीं पे ना, वो मैं श्योर कर लेता हूँ क्योंकि वो नीचे ही था और आई गेस वो नीचे ही होने वाला है। तो पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया हूँ मैं। बियर कहाँ पे? ये रहा बियर। निकल चल निकल चल। अभी ये रहे मेरी एरो, मैं अपने टाइगर से इसके ऊपर अटैक करवाता हूँ सबसे पहले तो। निकल चल भाई, ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है भाई। भाई ये बियर कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। नहीं ये मेरा, इसने भाई इसने मेरी कैट मार दी भाई। मेरा जो टाइगर है उसको इस बियर ने मार दिया भाई। और क्या मतलब, वो अभी आ रहा है मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। ओके तो ओके ओके ओके, एक काम करता हूँ मैं अपना जो रेयर कैट है ना उसको बुला लेता हूँ। तो मेरी रेयर कैट कहाँ पे गई? ये रहा मेरा रेयर ब्लैक लायन। सो रेयर ब्लैक लायन अभी मेरे पास आ चुका है। बियर कहाँ पे गया? अच्छा वहाँ पे आई गेस। ओके तो धीरे धीरे जाता हूँ एंड अपने रेयर ब्लैक लायन से उसके ऊपर अटैक करवाता हूँ। भाई कहाँ पे तू? हाँ भागा, मैं भागा। मेरी कैट फाइट लेगी अभी उससे, मेरा टाइगर फाइट लेगा भाई उससे। ले ले फाइट ले ले भाई, उसको मार दे साले को। ओके लेट्स गो। ये ज्यादा पावरफुल है भाई, मतलब जो अपना जैगुआर है ना उससे भी ज्यादा पावरफुल अपनी ब्लैक कैट है भाई, ब्लैक टाइगर। ओके उसको मैंने हील कर दिया गाइस फिलहाल के लिए। एंड यहाँ पे बियर मर चुका है। बियर सबसे ज्यादा पावरफुल है भाई देखा जाए तो वैसे इस गेम में आई गेस। और कुछ स्टोरी चलने लगी गाइस, ठीक है फिलहाल के लिए कुछ स्टोरी चलने लगी है। गुड हंटिंग मैमथ फीट, वी ट्राइड द बीस्ट फॉर यू, गिव यू इजी किल। अरे तो भाई जायमा बोल रही, मैंने उस बियर को थका दिया था ताकि तुम इजी किल कर सको। जायमा द हंटर ज्वाइन योर विलेज, लेट्स गो। जायमा को गाइस हम लोगों ने अपने विलेज के अंदर ज्वाइन करवा लिया है गाइस। एंड आज का जो अपना मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है, लेट्स गो। अबे मेरा टाइगर, इसको मार भाई। भाई साइबर टूथ मेरे को मारने वाला है क्या? व्हाट द फ्रिक। हाँ उन दोनों के बीच में फिलहाल के लिए फाइट हो रही है अभी। एंड साइबर टूथ को मैं फटाफट से मार देता हूँ यार। निकल चल साइबर टूथ बेटे, निकल चल निकल चल। फाइनली भाई मेरी ब्लैक कैट को तो इसने भाई बहुत ही ज्यादा डैमेज दे दिया यार, लेकिन फाइनली साइबर टूथ को यहाँ पे मार दिया है हमने। एंड उसके कुछ अलग से चमड़ी मिलने वाली शायद से अपने को। 5x मीट साइबर टूथ टाइगर, भाई साहब बहुत ही ज्यादा चीजें मिल गई यार ये तो। ओके तो गाइज आज वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा प्यारा था यार। आज वाले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा अच्छी स्टोरी अपने को देखने को मिली। एंड ये जो जायमा थी ना, जायमा उसको भी हम लोगों ने अपने विलेज के अंदर ज्वाइन करवा लिया है। एंड अपना जो मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यार आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है गाइज कमेंट में जरूर बताना यार, मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। एंड गाइज इस वाले एपिसोड में इतना ही था। एंड तुम लोग जो कमेंट करते हो ना गाइज उससे मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो कमेंट वगैरह करते जाओ। एंड इस वाले एपिसोड में इतना ही था। आई होप आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो, तो एपिसोड को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे ही नए नए मजेदार धमाकेदार गेम प्ले वीडियोज में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइज, गुड बाय गेमर्स।